थ्री बेडरूम हाउस प्लान डिज़ाइन। थ्री बेडरूम हाउस प्लान डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले इसका बाहर में हमने स्टेयर ऐड किया है और एक देखिए यहाँ पर स्लोप ऐड किया है, जिससे आप बाइक या स्कूटी आप इसके अंदर लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम 7 फीट हाइट तक जो है इसका वॉल यहाँ पर हम हाइट पे रखेंगे, ठीक है ऐसे। तो इसके बाद इसके अंदर हमें 3 बेडरूम ही मिलेगा और 1 किचन, टॉयलेट, वॉश एरिया, ओपन हॉल रूम। ओके, देखिए यहाँ पर ओपन हॉल रूम एरिया, इधर पूरा ओपन हॉल, फ्रंट में ओपन पार्किंग कम पोर्च एरिया। तो एक साइड में और भी एक चीज़ है जो यहाँ पर 2 फीट 4 इंच हाइट में जाएगा, यहाँ पर एक बैल्कनी। तो ऐसे करके हमने डिज़ाइन तो यहाँ पर कर दिया है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, कुछ फर्नीचर ऐड करना है, इसका कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करना है। तो बाहर से हमने स्टेयर किया है, आपको अगर बाहर से स्टेयर चाहिए तो आप इसको इस डिज़ाइन को देख के घर बना सकते, नहीं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ऐसे हमने डिज़ाइन किया है। तो चलिए हम इसके अंदर और भी कुछ चीज़ ऐड करते हैं, जो इसका GLPL हाइट यहाँ पर हम ऐसे एक लाइन ड्रा करके यहाँ पर मेंशन करेंगे। ओके, उसके बाद इसका जो है टू फीट 6 इंच हाइट में हम यहाँ पर एक जो रूम है इसका विंडो यहाँ पर हम ऐसे प्लेस करेंगे, विंडो को ऐसे प्लेस करेंगे। उसके बाद सॉरी यहाँ पर जो लाइन है इसको हमें GL to PL का लाइन का एक इधर से इधर तक एक मार्क करना है ऐसे, इसका हमें करना है डिलीट इधर से। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऐसे रहेगा, इधर भी ऐसे। तो हमें हम चाहते हैं तो इधर भी एक विंडो हम ऐड कर सकते हैं, आप भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे विंडो ऐसे ही रखेंगे हम डिज़ाइन। तो चलिए हम इसके अंदर कुछ फर्नीचर ऐड करते हैं। फर्नीचर लेआउट प्लान 3 बेडरूम के साथ जो फर्नीचर लेआउट प्लान और इसका कौन सा रूम है इसके अंदर हमने देखिए इसके अंदर कर दिया है 1, 2, 3 बेड, किचन, वॉश, टॉयलेट, बैल्कनी, ड्राइंग डाइनिंग, पोर्च एरिया। तो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन ऐसे, देखिए इधर से हम रूम के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद रूम के अंदर आने के बाद देखिए यहाँ पर 2 सोफ़ा सेट हैं, यहाँ पर डाइनिंग टेबल, इधर एक फ्रंट साइड में बेडरूम, उसके साथ बैल्कनी, वॉश, उसके साथ टॉयलेट एंड किचन एंड 2 बेडरूम और बाहर से स्टेयर। ओके, तो यही है सिंपल डिज़ाइन प्लानिंग और इसका डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, डिटेल्स ड्राइंग और 2D ड्राइंग। ओके, देखिए डिटेल्स जो ड्राइंग है यहाँ पर हम यहाँ पर पहले इस ड्राइंग को 0 लेयर में लेकर आएंगे, उसके बाद यहाँ पर कलर ऐड करेंगे। 23x37 का एक हाउस डिज़ाइन है, बेडरूम वाइज यहाँ पर 10 फीट 8x12, 11 फीट 1x12 और एक कॉलम यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इधर भी हम कॉलम देखिए कौन सा साइड में ऐड करना होगा हमें, इस साइड पर। ओके, नेक्स्ट हमें कॉलम इधर ऐड करना है, ऐसे करके हम कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो टेक्निकल पार्ट भी इसके इसमें इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर जो कॉलम का जगह है इसको हमने ऐसे कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा क्या है देखिए, बेडरूम, नेक्स्ट इधर भी बेडरूम, इधर बेडरूम। तो इधर भी हम कॉलम ऐड कर सकते हैं ऐसे, नेक्स्ट इधर, नेक्स्ट इधर।
तो 3 बेडरूम है, हम एक एक बेडरूम का यहाँ पर मेज़रमेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ओके, 3 बेडरूम हो गया है। उसके बाद देखिए हमें और भी कॉलम ऐड करना है, इधर एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा नहीं तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। इधर एक कॉलम, तो कॉलम आ गया, लेकिन इधर एक कॉलम और भी कॉलम चाहिए, इधर एक कॉलम, नेक्स्ट इधर। ओके, नेक्स्ट इधर। तो बैल्कनी जहाँ पर है हम कॉलम नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस वाइज हम कॉलम ऐड करेंगे ना। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है 15 फीट 4 इंच है, 14 फीट 6 इंच का यहाँ पर DWG and DINING टाइम ड्राइंग डाइनिंग, यहाँ पर सॉरी किचन मेजरमेंट ऐसा रहेगा 7 फीट 3 बाई 7 फीट 11 इंच। यहाँ पर टॉयलेट का बाथ, टॉयलेट एंड लेटरिन बाथ सब कुछ एक साथ आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर बैल्कनी 4 फीट वाइड। ओके, यहाँ पर पोर्च एरिया, देखिए पोर्च स्टेयर इधर से आप, ठीक है। स्टेयर के लिए हमने यहाँ पर जो जगह ऐड किया है जस्ट 3 फीट वाइड हमने एक पैसेज यहाँ पर लिया है, तो 23 बाई 37 का यही डिज़ाइन है। देखिए ऐसे मैंने यहाँ पर रखा है, तो आप ऐसे भी इस डिज़ाइन को देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो चलिए फाइनल हम इसका जो आउटर इंटरनल वॉल है यहाँ पर 5 इंच का वॉल है, यहाँ पर जो कॉलम है 10 बाई 10 इंच का कॉलम है यहाँ पर हमने क्रिएट किया है। टोटल जो कॉस्टिंग आएगा इस बिल्डिंग प्लान का, हम यहाँ पर कॉस्टिंग ऐड करेंगे 23 × 37, 851 स्क्वायर फीट का हाउस डिज़ाइन है, इसमें 1 to 3 बेडरूम है। टोटल कॉस्टिंग आएगा 1800 हम इंटू करेंगे तो 15,31,800 रुपीज़ इसका टोटल खर्चा आ जाएगा सब कुछ मिला के, ठीक है, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन इसको। तो आपको इस टाइप का डिज़ाइन करने का कोई क्या फ़ायदा होगा, तो आपका अगर कोई भी बाइक या कोई भी आपका स्कूटी है तो आप ऐसे पोर्च के नीचे रख के इस जगह को पार्किंग के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अच्छा सा आप सोफ़ा सेट कर सकते हैं, यहाँ पर डाइनिंग टेबल सेट कर सकते हैं, यहाँ पर बेड, ओके, किचन, वॉश, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पर मैंने कर दिया है। आपको अगर कुछ भी इसमें चेंज और ऐड करना है तब कर सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आपको डिज़ाइन वीडियो प्लानिंग पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना।